एकता टीवी विच आप जी का स्वागत है। जो तस्वीर देख रहे हो इस वर्गी केवल बिग जी की याद में उन्होंने 18वीं बरसी समागम मुख रखते हुए साहित्यक संगीत प्रोग्राम का आयोजन किया गया बिरसा विहार विखे। इस समागम के विशेष तौर पर सबका अंबैसडर श्री रमेश चंद्र जी, DCP अरुण सैनी जी, श्री शिव कुमार संधु जी, सरदार यशपाल सिंह पाल जी, प्रोफेसर सरिता तिवाड़ी जी, कुलदीप सिंह जी, श्री जितेंद्र मोहन बिग जी, एडवोकेट राहुल बिग जी, श्री दलविंदर दयालपुरी, डॉक्टर दविंदर मंड जी और श्री खेमकरण जी वालों क्षमा रोशन कर की गई और उस उपरंत श्री केवल बिग जी ने श्रद्धा के फुल भेंट किए गए। सरदार रशपाल सिंह पाल जी, शिव कुमार संधु जी, DCP श्री अरुण सैनी जी, प्रोफेसर सरिता तिवाड़ी जी और अंबैसडर श्री रमेश चंद्र जी वालों संबोधन किया गया और उन्होंने कहा कि यहोजे समागम कराने एक अपने विच बहुत वड्डी विशेष गल हुंदी है क्योंकि केवल बिग जी हुणी जनता संसार मैगजीन की शुरुआत की सी जो पिछले काफ़ी अरसे तो अपनी स्थिति ते स्थापित है और अपनिया नवीं पलांगा पट रहा है। जलंधर तो जसविंदर बल की विशेष रिपोर्ट। बड़ी खुशी जे माहौल च बैठे हाँ, बट मैनू यकीन है भी थोड़ा दिल भी साढ़े किसान भरावां दे नाल होएगा जिहड़े ठंड विच दिल्ली दे किनारे इन्ने दिनां तों डेरा जमाए बैठे ने। मेरा उहनां नूं इक्को संदेश होगा जो सुजीत पात्र जी दीआं लाइनां मैनूं याद आउंदीआं ने कि सोने दी सवेर जदों आऊ हाणियां नचेगा अमर भूमी गाऊ हाणियां। मेहनतां दा मुल आपे पाणा लोकां ने, धरती ते सुरग बनाणा लोकां ने। थैंक यू। चलो, हर थां ते हर चंगा बंदा नहीं मिल सकता। समाज नूं चंगे इंसानां दी चाहे सियासी फील्ड होवे, चाहे पुलिस का फील्ड होवे, चाहे पत्रकारों का फील्ड होवे, चाहे कोई साहित्यक फील्ड होवे, चंगे मनुखां दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। जतिंदर विक मेरे बहुत छोटे भरा ने ते साडे इलाके दे साडे जवाई भाई भी ने। इन्हां नूं मैनू जतिंदर शहर के स्वर्गवासी लाला जगत रैन जी, स्वर्गवासी सरदार साधु सिंह जी, अमर सिंह दसांझ, ज्ञानी शादी सिंह जी, वरिंदर जी, जाजी सारियां दे नाल मैनू मिलन दा, बैठन दा, कट्ठे बोलन दा मौका भी अज तो 30-35 साल तो मिलता लगातार आ रहा है। पर सारियां दे जान छीना ने आपके बड़े वडेरिया की शान नूं इन्ना सलामत नहीं किया जिन्ना जतिंदर मोहन बिग ने किया। मैं इस फंक्शन के प्रति भावे अज करोना करके सद्दा भी बहुत घट दिता, कुछ सरकारी पैरामीटर भी मने, कुछ होर गल्लां तों भी संकोच किया, लेकिन मैं क्या बिग साहब तुहाडे समागम वास्ते तुहाडे ਪਛਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ ਨਾ ਸੱਦੋ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵਿਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਧਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੇਮਕਰਨੀ ਜੀ,
कांग्रेस के उपे नेता पंजाब के मौंद रखी श्री रिशपाल सिंह पाल जी, प्रोफेसर सत्ता तिवारी जी, होर बहुत सारिया प्रतिष्ठ हस्तियां, गाउन वाले बुद्ध साहित्यक लिखारी प्रोफेसर दविंदर मंड जी बैठे ने, बिट्टा जी मेरे वीर बैठे ने, किस किस का नाम लवान कहते ने कि हर पासे दिसे माही मैनू जिधर कंड करा गुनागार होव। सारे तुसी साडे दिल का ते सिर का ताज हो। मैं कई पुत्र कहते हैं जिहड़ा बनाई हुई विरासत नूं होर अगे वधाउंदा उहदे च इजाफा करदा वह सुपुत्र हुंदा है। तो जतिंद्र मोहन विग केवल विग जी दे सुपुत्र है, पुत्रां तों अगला स्टैप इहनां दा है। एक बार जोरदार ताड़ियां नाल मेरी गल नूं तुसीं रिकॉर्ड करो। और अज भावें सामने बैठे है भावें इधर बैठे है, संधू साहब ठीक कह रहे थे मेरे वीर, चाहे दो पौड़ियां चढ़ के इधर बैठे है भावें उधर बैठे है, लेकिन मोहरे बैठने वाले की हस्ती भी कले कले की बाकबाल है। तो इधर बैठे की भी हस्ती एक दूजे के आप भरा है। जतिंद्र मोहन जी, मोहन साहब जतिंद्र जी एक मिनट, हैलो 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 हैलो, एकदम मूँह तो छिकड़ियाँ जी बज गई, एक दिन निकल जाने अरदास करो भी परमात्मा जी तुहानू सच्ची गल दसा, तुसी नागरी पूरे कर दे, तुसी काबलीत आले सखीता बुलाने इत्थे, नहीं तो कई नग पूरे करते है। मास्टर ने क्लास च मुंडे नूं पुछया 15 तरह के फल दस केड़े केड़े है, विजय साहब 15 तरह के फल दस, वह कहिंदा एक हो गया अंब, कहिंदा दूसरा कहिंदा संतरा, कहिंदा तीसरा कहिंदा सेब, इन्ना कह के तो मुंडा चुप कर गया। वह कहिंदा काका मैं तो 15 कहे है, तू 3 कह के चुप कर गया। वह कहिंदा एक दर्जन में केले पाला भाई 15 फल हो गए, लेकिन तुसी सही फल मंगाते हैं भी नागरी पूर दे के लिया। तो बहुत बहुत तुहानू वधाइयां अज दे इस केवल विग अवार्ड दे उत्ते जिहड़ियां तुसीं कर रहे हो। बाकी किसानी बारे सारी दुनिया की विदेशां दे विच भी सारे प्रशंसा कर रहे हैं किसानी दी, और साडियां भैणां साडियां मावां साडे वीर इन्नी सर्दी दे विच भी उत्थे बैठे है, तो मैं समझदा उहनां अगे साडा सिर झुकदा है। मैं हुणे ही कल परसों यूपी तो उत्तराखंड चो आया, मैं उत्थे देखिया संधु साहब गुरुद्वारिया दे विच भी अरदासा करते हैं कि किसानी कामयाब हो गई। गुरुद्वारिया दे विच भी देखो एक तो हुंदा धरना देना, एक हुंदा प्रदर्शन करना, एक हुंदा संघर्ष करना, पर यह पंजाब तो हुण एक इनकलाब बन के ये सारिया गलों तो उत्ते चले गया। तो परमात्मा करे इन्हां दी जिहड़ी मेहनत है उहनू कामयाबियां दवे। मैं एक शेर कहिंदा हुंदा, ना लोहा है पंजाब विच रमेश जी, ना लोहा है पंजाब विच, ना कोले दी कोई खान है, सोचो कि फिर लोहा इहदा मनदा क्यों कुल जहान है। तो यह पंजाब है जिहने एक नवीं राह दिखाई है। इन्ना कुछ कह के मैं वीर जतिंद्र मोहन विग जी नूं इस बड़े वड्डे उद्यम लई बहुत बहुत वधाई दिंदा। परमात्मा कृपा करे इसे तरह तुहाडा सहयोग रहे इन्हां नूं ते दिन दूनी रात चौगड़ी तरक्की करन। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद ते वधाई। मैं जतिंद्र मोहन विग मुखी केवल विग फाउंडेशन जो पिछले 28 सालों तो केवल विग अवार्ड का आयोजन करती आ रही है, इस बार COVID-19 मुख रख के ये समागम केवल विग जी की 28वीं बरसी से जलंधर के बिरसा विहार विखे आयोजित किया गया। संगत ने बड़ी वे पद्धर से हिस्सा लिया, असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। तो वादा करते हैं कि अगले साल कोरोना के खात्मे के नाल ये फिर अवार्ड के रूप में ही होगा। मैं राहुल विग एडवोकेट
असी हर साल की तरह इस साल भी केवल विग अवार्ड फाउंडेशन मना रहे हाँ। करोना दियां सरकार दियां हदायतां अनुसार असी इस नूं अवार्ड दे रूप दे नहीं मनाया, असी इस नूं सिंपली तौर पर मना रहे हाँ। असी आन वाली संगतां दा बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ अते हर साल की तरह इस तरह अवार्ड मनाते रहेंगे। धन्यवाद। तुसी वेख रहे हो एकता टीवी।